हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बंदो, हमारा जो क्लास चल रहा है वो चैप्टर वाइज चल रहा है। उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज, जिसमें द्वंद्व आप टाइप बाय टाइप सवाल पढ़ रहे हैं। अभी तक आपका चार टाइप का सवाल हुआ है, आज टाइप चेंज के साथ यानी पाँचवा टाइप होगा, जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहने वाले बंधु। इसलिए आप सब इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ताकि सारे सवाल को आसानी से समझ सकें। और जो भी भाई बंधु हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार जुड़े हैं, नए नए जुड़े हैं, वो जाके सबसे पहले बंधु सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बंधु लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आप बंधु लाइक करते तो हमारे और आपके बीच एक रिलेशन अच्छा बनता है, हमें सपोर्ट मिलता है, आपका प्यार हमें मिलता है, तब जा करके बंधु बहुत सारे हम सवालों को आपके साथ ला पाते हैं बंधु। तो देखते हैं आज का जो सवाल रहने वाले हैं टाइप फाइव का, किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो बंधु, आपका टाइप चेंज हो चुका है, टाइप पचमा है और क्रम के अनुसार 48 नंबर बंधु प्रश्न है। और देखिए इसको समझेंगे कैसे, बनाएंगे बंधु कैसे, ध्यान दीजिएगा सवाल पे। सवाल है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़कों की संख्या निम्न है। तो बंधु आप इसको बना सकेंगे आसानी से। किसी भी विद्यालय में आप जाइए बंधु, अगर लड़का लड़की साथ में पढ़ रहे हैं, अगर कितना भी उसमें स्टूडेंट क्यों ना हो, वो आपका कितना परसेंट होता है बंधु, 100% होता है। यानी अगर 400 भी स्टूडेंट है तो 100% है, 1000 स्टूडेंट भी अगर दोनों मिला के हैं बंधु तो भी 100% है। यानी हमेशा विद्यालय में अगर 10 की संख्या या 20 की संख्या या 1000 की संख्या या 2000 की संख्या में स्टूडेंट क्यों ना हो, अपने आप में क्या है बंधु, 100% है। तो सवाल में कह क्या रहा है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, अगर 100% में बंधु, अगर लड़का जो है अगर 60% है, लड़की कितना होंगे बंधु, 40% होंगे। क्लियर है, ये 40% बंधु लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि ये 40% है। आखिर 40% आया कहां से, क्योंकि बंधु किसी भी विद्यालय में अगर लड़का लड़की साथ पढ़ रहे हैं तो 100% विद्यार्थी है, अगर उसमें से दिया रहे कि 60% अगर लड़का है तो बाकी कितना है बंधु, 40% लड़की है। ये आप सोच सकते हैं। आगे बंधु क्या है, यदि विद्यालयों में लड़कियों की संख्या 300 है, लड़की का परसेंट इसलिए निकालना पड़ा बंधु क्योंकि लड़कियों की संख्या दर्शाया है, तो लड़कों की संख्या हम आसानी से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो बंधु यही जो लड़की 40% है, इनकी संख्या कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, हमने 300 डाल दिए। कह रहा है लड़कों की संख्या, अगर कहता बंधु विद्यालय में यानी विद्यार्थियों की संख्या तो 100% निकालते, यहाँ पे लड़के के बारे में कह रहा है, तो लड़का कितना परसेंट है आपका, 60% है। तो 60% बराबर कितना हो जाएंगे बंधु, 300/40 गुना कितना, 60। क्लियर है बंधु, इसको कटा दीजिए, 20 × 2 = 40, 20 × 3 = 60, इसको कटा देंगे बंधु क्या हो जाएंगे, 150, 15 × 3 = 45, 450। यानी उस विद्यालय में जो लड़कों की संख्या कितना है बंधु, 450 है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, तीसरा में है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। तो अगला जो प्रश्न रहने वाले हैं बंधु, क्या रहने वाले हैं, 49 का, यानी 49 नंबर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका जो 49 नंबर प्रश्न है बंधु, पिछले प्रश्न की तरह है, सेम प्रश्न है। अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु बहन को अगर दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में नहीं होगा। देखिए सवाल क्या है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो बंधु विद्यालय में अगर टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं, वो 100% होते हैं, चाहे संख्या उनका कुछ भी हो। क्लियर है बंधु, उसमें से कह रहा है कि जो लड़का है वो कितना परसेंट है, 60% है, तो लड़की बंधु कितना हो जाएंगे, 40% हो जाएंगे। और यही 40% के बराबर लड़कियों की संख्या कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 972 दिया हुआ, तो आप यहाँ 972 लिख दीजिए। 60% बराबर बंधु निकालेंगे तो क्या करेंगे, 972/40 गुना कितना, 60। इसमें भी परसेंट इसमें बंधु कट जाता है, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको हल कर सकते हैं। 20 × 60, 20 × 40, इसको कटा दीजिए बंधु, 4 × 8, 1 / 17, 8 × 16, फिर 1 / 6 × 12, अब इसको 6 × 18,
फिर 8 3 24 1 25, 4 3 12 2 14, कितना हो गया बंधु, 1458। यानी उस विद्यालय में लड़कों की संख्या जो है कितना है, 1458 है, जो कि बंधु आपका दूसरा नंबर ऑप्शन में है। तो अगला जो प्रश्न होगा बंधु आपका कौन सा प्रश्न होगा, 50 नंबर होगा, यानी 50 नंबर होगा आपका जो अगला प्रश्न है, वो 50 नंबर है यानी 50 नंबर है। बंधु सवाल क्या है, यदि किसी विद्यालय में 30% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या 1176 हो तो लड़कियों की संख्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, आप आसानी से इसको निकालेंगे। तो देखिएगा इसको आप ज्ञात कैसे करेंगे, यदि किसी विद्यालय में 30% विद्यार्थी बंधु लड़कियां हैं, अगर गर्ल्स अगर 30% है बंधु तो लड़का कितना हो जाएंगे, 70% हो जाएंगे। कैसे बंधु, किसी विद्यालय में अगर विद्यार्थी की जो संख्या रहते हो कितना परसेंट रहते हैं, 100% रहते हैं। इनमें कहता बंधु लड़कों की संख्या 1176 हो तो लड़कियों की संख्या है, तो बंधु लड़कों की जो परसेंट है वो कितना है, 70% है। और यही 70% बराबर लड़कों की संख्या कितना बंधु, 1176 है। लड़कियों की संख्या निकालने कह रहा तो क्या निकालेंगे, 30% निकालेंगे बंधु। तो 30% बराबर हो जाएंगे 1176/70×30। क्लियर है बंधु, 0 0 कैंसिल, इससे कटा दीजिए बंधु, 7 1 7 बचा कितना, 4 47, 7 6 42 बचा, 5 7 8 56। क्लियर है बंधु, इनको आप हल कर लीजिए, 8 3 24, 6 3 18 और 2 20 और 3 1 3 2 5, कितना हो गया बंधु, 504। यानी कि लड़कियों की जो संख्या है विद्यालय में वो कितना है, 504 है, जो बंधु आपके ऑप्शन यानी पहला नंबर में दिया हुआ है। समझ गए बंधु, किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं अगला जो प्रश्न है बंधु, वो होने वाला है 51 नंबर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका फेल और पास से रिलेटेड है, लेकिन टाइप बंधु वही है, आपका जो सवाल नंबर है वो 51 है। इसको आप कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा बंधु। किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। तो बंधु कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो उसमें या तो पास करते हैं या तो फेल करते हैं, और पास फेल ही आपका टोटल कितना होता है बंधु, 100% होता है। अगर यहाँ पे कह रहा है कि किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, यानी बंधु अगर पास जो हुआ है 65% हुआ है तो निश्चित है कि जो है उस परीक्षा में परीक्षार्थी जो है 35% क्या हुआ है, फेल हुआ है। क्लियर है बंधु, तो आप कैसे जानेंगे ये 35% फेल हुआ है, क्योंकि 100 में से 65% पास हो चुका है बंधु, तो शेष जो है वो फेल ही हुआ होगा ना। आगे जाके कहते हैं बंधु, फेल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है, 420 है, यानी यही 35% बराबर कितना है बंधु, 420 है। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी, तो कितना बंधु, 100%, जिसमें कि पास और फेल दोनों है, तो आप 100% निकाल लीजिए, 420/35 × बंधु कितना, 100। अब देखिएगा इसको कटा देंगे बंधु, 7 6 42, 7 5 65, 12 5 60, तो 12×100 करेंगे बंधु कितना हो जाएंगे, 1200। यानी कि परीक्षार्थियों की कुल संख्या जो है कितना है, 1200। तो बंधु ऑप्शन नंबर कहाँ पे, चौथा नंबर। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए, इस प्रकार के सवाल बन जाएंगे। अगला जो प्रश्न है बंधु वो क्या है, 52 रहने वाले हैं। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका वो 52 नंबर है। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि 630 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। सवाल बंधु सेम है, तो इसको आप बनाएंगे कैसे, उत्तीर्ण मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता बंधु, फेल होता है। अगर आपका यहाँ पे पास यानी उत्तीर्ण दिया हुआ बंधु 65%, तो अनुत्तीर्ण जो होंगे यानी फेल जो होंगे कितना परसेंट बंधु, 35%, क्योंकि फेल पास मिला के 100%। और आगे चल के बंधु कहता है कि यदि 630 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे यानी फेल रहे, तो इसके बराबर कितना, 630। तो कहता कुल कितने परीक्षार्थी थे बंधु, तो कितने, 100%। तो 100% का मान निकाल लीजिए, 630/35× बंधु कितना, 100। तो देखिएगा 7 5 35 बंधु 7 से लगा रहे हम,
और यहाँ पे बंधु 963, इसको कटा देंगे बंधु 5 × 10 यानी 20 गुना 90 कर दीजिए बंधु, तो आपका क्या हो जाएंगे 1800 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, आप समझ गए और देख रहे हैं आपका जो ऑप्शन है कितने नंबर में है, पहला नंबर में है। अगला जो प्रश्न आपका रहने वाले बंधु वो क्या होंगे, 53 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका वो 53 नंबर है, सवाल है, एक विद्यालय में 36% छात्रा है तथा 864 छात्र है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो बंधु आप जानते हैं किसी भी विद्यालय में बॉय और गर्ल टोटल मिला के कितना परसेंट, 100%। 36% छात्रा है, छात्रा मतलब गर्ल आपका 36% है बंधु, तो बॉय निश्चित है कितना हो जाएंगे, 64% हो जाएंगे। और यही 64% बराबर जो छात्र की संख्या दिया है बंधु कितना, 864। तो हमें चाहिए क्या, विद्यार्थियों की संख्या कुल, तो 100% 864/64 गुना बंधु कितना, 100। क्लियर है, कहीं को दिक्कत नहीं बंधु, इसको आप कटा सकते हैं 8 से 8 64 8 1 8 0 8 8 64 108 हो गया बंधु। इसको और आप कटा सकते हैं 4 से कटा दीजिए, 4 × 8 4 × 8 बंधु 2 बचा 7 4 28। अब बंधु इससे इधर कटा दीजिए, 50 बार में कट जाएंगे। अब देखिएगा 7 5 35 यानी 5, अब 5 × 10 और 3 13 0 बैठा दे 1350 यानी कि कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है कितना है, 1350 है, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, दूसरा नंबर में है। क्लियर है बंधु, अब जो प्रश्न होगा आपका अगला वो क्या होगा, 54 नंबर होगा। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका वो 54 नंबर है, सवाल है, एक टोकरे में रखे आमों में से 20% खराब है, यदि इस टोकरे में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम कितने हैं। तो बंधु आपके पास जो दिया गया है टोकरा उसमें खराब आमों का जो है कहता है 20% आम खराब है, तो अच्छा आम कितना परसेंट होगा बंधु, 80% होगा, इसके बारे में यहाँ पे नहीं जिक्र है, तो ये चीज़ हमको नहीं निकालना है, जिनके बारे में कह रहा है उन चीज़ों को निकालेंगे। अगर 20% आपका खराब है तो निश्चित है कि अच्छा जो है कितना है, 80% है। कह रहा है बंधु खराब आमों की संख्या 35 हो, खराब आमों की संख्या 35 यानी 20% बराबर कितना, 35। तो कह रहा बंधु कुल आम, तो कुल आम कितना परसेंट, 100%, तो 100% बराबर निकालेंगे बंधु 35/20 गुना कितना, 100। इसको बंधु हल कर लीजिए, आप कटा दीजिए, 20 × 5 = 100 हो जाएंगे, 5 × 25 5 × 3 = 15 और 2 × 17 यानी 175 यानी कुल आम कितने थे बंधु, 175 175, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो होगा क्या होगा बंधु, 55। चलिए बंधु अगला जो सवाल है आपका वो 55 नंबर है, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, एक खनिज में 12% तांबा है, 69 kg तांबा प्राप्त करने के लिए कितने kg खनिज की आवश्यकता है। तो बंधु आपके पास जो खनिज है वो कितने परसेंट है बंधु, 100% है, इसमें से बंधु कहता है कि खनिज जो हमारे पास है उसमें 12% तांबा है, क्या है, 12% तांबा है। तो बंधु आगे चल के कहा था 69 kg तांबा प्राप्त करने के लिए कितने kg खनिज की आवश्यकता है। अगर बंधु हमारे पास कोई भी खनिज है 12% और यही 12% हमारा क्या दिया है, 69 kg तांबा दिया हुआ है, तो कह रहा है कि आपको 69 kg तांबा प्राप्त करने के लिए कितने kg की खनिज की आवश्यकता है। तो बंधु हमको कितना खनिज चाहिए, 100% चाहिए, क्योंकि 12% तांबा है तो हमारे पास 69 kg है, तो देखेंगे खनिज कितना परसेंट है बंधु, तो 100% है, 100% बराबर 69/12 यानी 12 गुने बंधु कितना, 100 कटा देंगे, इसको 4 × 3 = 12 25 × 6 = 100 कटा दीजिए बंधु, 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9 अब इनको आप गुना कर लीजिए, 25 × 3 = 75 के 5 बाकी रल बंधु कितना, 7 हो गया, 25 × 2 = 50 और 7 × 57 यानी 57, 575 kg की खनिज की आवश्यकता है यदि हमें 69 kg हमें तांबा प्राप्त करना हो, जिसके लिए तांबा हमारे पास कितना परसेंट होना चाहिए बंधु, 12% होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है, 3rd नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए, तो चलते हैं बंधु अगला जो प्रश्न है वो आपका टाइप चेंज के साथ है,
टाइप चेंज यानी बंधु आपका जो टाइप अब स्टार्ट होने वाला है वो टाइप 6 होगा जो कि सवाल नंबर 56 से होगा बंधु। तो चलते हैं टाइप छठे का जो 56 नंबर सवाल है उनको। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका टाइप 6 के साथ है, 56 नंबर प्रश्न है बंधु। सवाल क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा और इसको आप कैसे बनाएंगे बंधु। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 4,980 रुपया हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो बंधु कोई भी आदमी काम करते हैं या उनका जो इनकम होता है बंधु क्या होता है 100% होता है, ये आप जानते हैं। अगर आप एक ही रुपया कमा रहे हैं तो आपके लिए वो 100% है, अगर दो ही रुपया कमा रहे हैं तो आपके लिए क्या है बंधु 100% है। इसमें कह रहा है मासिक आय का 17% बचत करता, तो बंधु आपको पता है कि आय होता है, बचत भी आपका होता है और आप खर्च भी करते हैं, ये तीन कंडीशन हर एक के व्यक्ति के साथ होता है। क्लियर है बंधु। अगर मान लीजिए कि अगर आय उसके लिए क्या है 100% है और उसमें से बचत अगर वो कह रहा है बंधु कितना 17% कर रहा है, तो निश्चित है बंधु उसका जो खर्च हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा बंधु 83% हो रहा होगा। क्लियर है बंधु। तो आगे चल के कहता है कि मासिक खर्च 4,980 रुपये यानी कि 4,980 रुपये है, तो 83% भी बराबर बंधु 4,980 रुपये, तो उसकी मासिक आय क्या होगी, तो मासिक आय बंधु कितना 100% यानी 4,980 बटे 83 × 100 बंधु कटा देंगे तो 6 बार में कट जाएंगे, 6 × 18 = 48 × 49 यानी बंधु यहाँ 0 हो जाएंगे, 60 × 100 बराबर कितने 6,000 यानी उसकी जो मासिक आय होगी बंधु वो होंगे 6,000 जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया है चौथे नंबर में दिया है। क्लियर हो गया बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न होगा बंधु वो होगा आपका 57। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न आपका है वो आपका 57 नंबर है। कह रहा है बंधु एक रेडियो के अंकित मूल्य में 12% की कटौती करने पर इसका मूल्य 5,544 रुपया हो जाता है, रेडियो का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो बंधु रेडियो के अंकित मूल्य आपके पास यदि आपके पास 100% है तो इसमें से कहते हैं कि अंकित मूल्य में 12% की कटौती, यानी जो बंधु कटौती होता है वो क्या होता है 12% कटौती होता है। अगर 12% कटौती होता है बंधु उसको हम सेलिंग कितना में करते हैं, तो हमारा जो सेलिंग हो जाएंगे बंधु कितना हो जाएंगे 88% हो जाएगा, और इतना में जैसे देते हैं बंधु उसका मूल्य क्या हो जाता है 5,544 रुपया, तो 88% बराबर हो जाएंगे 5,544। तो कह रहा है बंधु रेडियो का अंकित मूल्य ज्ञात करें, तो रेडियो का अंकित मूल्य कितना होगा बंधु 100%, तो क्या हो जाएंगे 5,544 बटे 88 × बंधु कितना 100। क्लियर है बंधु। इसको कटा देंगे, 11, 88, 11, 25, 55, 0, 11, 44 हो गया बंधु। अगर इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 8, 6, 48, 2 बचा बंधु यहाँ पे 24, 8, 3, 24 यानी हो जाएंगे ये कितना 6,300, यानी उस रेडियो का जो अंकित मूल्य होगा बंधु क्या होगा वो 6,300 होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है दूसरा में दिया हुआ है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। तो अगला जो प्रश्न आपका होगा वो होगा 58 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न आपका हो 58 नंबर है। सवाल में कह रहा है एक मेज के अंकित मूल्य में 12.1/2% की कमी कर देने पर इसका मूल्य 4,375 हो जाता है, मेज का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो मेज का अंकित मूल्य बंधु क्या है आपका 100% है, इसमें सिखाता बंधु 12.1/2% कमी कर देने पर। अगर बंधु 12.1/2% की हम कमी कर देते हैं तो हमारा जो मूल्य हो रहा है बंधु कितना हो रहा है आपको पता है बंधु 100 में हम 12.1/2% को घटा देंगे। जिस प्रकार बंधु अगर 20% की कमी होता था तो हमने 100 में 20 घटाते तो कितना होता था बंधु 80 होता था यानी 80 होता था। उसी प्रकार बंधु इसको हल कर लेंगे तो 100 − 12 = 24 25/2 यानी इसको बंधु हम लिख सकते हैं 100 − 12.5 यानी 87.5% यानी यही 87.5% बंधु उसका मूल्य पड़ेगा जिसका कीमत है 4,375 यानी हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं बंधु यहाँ पे 87.5 बराबर
4375 रुपया। अब हमें चाहिए अंकित मूल, तो अंकित मूल कितना परसेंट बंधु, 100%। तो आप 100% निकालेंगे इसका, 4375/87.5 × 100। क्लियर है बंधु, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब इनको हल कर लीजिए आप, इस पॉइंट को खत्म करेंगे तो 10 होगा। अब कटाइए बंधु, यहाँ से आप कटा सकते हैं, 5 से कटाइए, 5 × 1 = 5 बंधु कितना बचा, 3 × 37 = 7, 5 = 35, 2 × 2 = 25 इतना लिख दिए। 5 से कटाइए बंधु, 8 × 5 = 40 कितना, 3 × 37, 7 × 5 = 35, 2 × 5 = 25 इतना बंधु हमने ला दिए। अब देखिएगा इनको और आप कटा सकते बंधु, तो यहाँ से अगर हम कटाएंगे, 5 से कटाएंगे, 5 × 25, 7 × 5 = 35, 2 × 7 = 37, 5 × 1 = 8, यानी बंधु ये कितना बार में कट जाएंगे, 5 बार में कट जाए, तो 5 × 100 × 10 होगा, इसका आंसर हो जाएंगे बंधु 5000। यानी जो अंकित मूल्य है बंधु इनका क्या है, मेज का 5000 है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है बंधु, पहला में। क्लियर हो गया बंधु, ऐसे इनको आप हल कर लेंगे। अन्यथा बंधु एक तरीका और हमें बताए थे, पूर्णांक में अगर कमी का अर्थ बताए थे और आप ये परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बंधु कोई भी परसेंट अगर 1 है तो आपके लिए वो 100% है, हमने इसको भिन्न में कन्वर्ट करके बनाएंगे। अगर 12 पूर्णांक 1/2% का अर्थ होता बंधु 1/8, यानी 1/8 कमी कर देंगे बंधु 1 में से, तो क्या हो जाएंगे, 8 × 1 = 8 में 1 = कितना, 7/8। यानी आपको हम बताए थे बंधु 12 पूर्णांक 1/2% कमी का अर्थ है किसी को कितना देना, 7/8 देना बताए थे बंधु। तो यही 7/8 = 4375। तो कहते हैं बंधु अंकित मूल ज्ञात किए, तो अंकित मूल क्या है बंधु, 1 है, क्योंकि आपका कोई भी परसेंटेज 100 होता है उसका भिन्न का मान 1 होता है 100% का। क्लियर है बंधु, आप ये जान चुके हैं। तो यही 1 = निकालेंगे, 4 × 3 = 7, 5 बंधु 8 ऊपर चल जाएगा, नीचे 7, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, कटा सकते हैं बंधु, 7 × 6 = 42, 1 बचा बंधु इधर, 17 हो गया, 7 × 2 = 14, फिर बंधु अच्छा 3 × 7 = 35, यानी आप इसको 625 गुना क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, तो बंधु ये कितना हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे। तो आपका यहाँ से भी बंधु 5000 आया, यहाँ से भी 5000 आया, आप आराम से बना सकते हैं। जैसे बंधु 12 पूर्णांक 1/2% की वृद्धि का मान देता, तो हमने 1 में 1/8 को जोड़ देते, तो 8 × 1 = 9 / 11 हो जाता, 8 हो जाता। क्लियर है बंधु, अगर आप पहले दिन प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे इनका, तो इस विधि से आप आसानी से इस सवाल को भी बना सकते हैं। तो अगला जो प्रश्न रहने वाले हैं बंधु आपका क्या होगा, 59 नंबर रहे। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न आपका है वो 59 नंबर है, सवाल है, पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया, इसका प्रारंभिक भाग प्रति क्विंटल क्या था। तो बंधु आप देखते हैं मार्केट में दाम बढ़ते रहता है, घटते रहता है, तो बंधु कभी दाम उनका ज़्यादा रहता है, कभी दाम उनका कम रहता है। अगर पहले बंधु दाम अगर 100% था तभी तो जाकर 20% कमी आया, जिसके कारण भाव क्या हो गया, 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया, और आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल क्या था। तो मान लीजिए बंधु आपके पास जो है प्रारंभिक जो भाव है बंधु कितना है, 100% है, ठीक है बंधु, इसी में कहता है 20% की कमी आई है। अगर 20% की कमी आई है वर्तमान में कितना परसेंट होगा बंधु, 80% होगा, और इसका भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया, किसके कारण, जब 20% की कमी आया तब, यानी यही 80% = बंधु कितना, 800 रुपया प्रति क्विंटल। हमें चाहिए प्रारंभिक भाव, तो प्रारंभिक भाव कितना परसेंट बंधु, 100%, तो 800/80 × 100, इसको कटा देंगे 10 बार में कट जाएंगे बंधु कितना, 1000 रुपया प्रति क्विंटल इसका प्रारंभिक भाव था, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे बंधु, पहला में है। क्लियर हो गया बंधु, आप समझ गए। तो बंधु आज का जो क्लास हो रहेगा इतना ही रहेंगे बंधु, अगले जो हम प्रश्न के साथ मिलेंगे 60 नंबर प्रश्न के साथ मिलेंगे, और टाइप चेंज के साथ मिलेंगे बंधु, क्या मिलेंगे, टाइप चेंज के साथ मिलेंगे, यानी जो टाइप होने वाला है बंधु आपका नेक्स्ट क्लास में, वो आपका 7वां टाइप होगा। क्लियर है बंधु, तो आप सबको यह वीडियो कैसा लगा, कैसे आप सभी सवाल को समझ पाए बंधु, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए, जिसके कारण दूसरे को लाभ मिल सके बंधु, और हमें कमेंट करके भी बताएं। बहुत भाई बंधु हमें कमेंट करके पूछ रहे हैं कैसे कि लगातार वीडियो डालेंगे, बिल्कुल बंधु लगातार हम वीडियो डालेंगे आप सबों के लिए,
एकदम ए टू जेड सवाल डालेंगे बंधु, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, या तो वो भारी सवाल हो या तो वो इजी सवाल हो, एकदम सारे का सारे सवाल टाइप बाय टाइप आपको देखने को मिलेगा बंधु। तो आज का जो क्लास आपका है इतना ही है बंधु, फिर आप सबों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी को एनिमेस क्लासेस बाका की तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं, ढेरों सारे दुआएं बंधु। जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।